Hello guys, it's Pushkar. Welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? आज काफी टाइम बाद मैं निकला हूँ बाइक लेके. बहुत दिनों से बारिश का मौसम हो रहा था, उस वजह से मैं जा नहीं पा रही और प्लस थोड़ा काम में बिजी था. आज निकला हूँ काफी टाइम बाद, तो 15 अगस्त आने वाला है, सो उसकी तैयारी चल रही है हर जगह पे. हर जगह तिरंगे ही तिरंगे. मैं हूँ यहाँ पे क्रॉसिंग वाले कोल चक्कर पे, और यहाँ पे साइड में मार्केट है बहुत बढ़िया. क्रॉसिंग तो नहीं जाते हम, स्ट्रेट की तरफ चलते हैं. कहीं पे रुक के थोड़ा सा एक बाइक की रिव्यू डिटेलिंग करते हैं. तिरंगे ही तिरंगे. राइट साइड में है गौर सिटी मॉल्स और राजहंस, व्यू सफायर और ये होल्डिंग HNS. लेफ्ट में गौर सौंदर्यम और नोएडा एक्सटेंशन की हाई राइज बिल्डिंग्स. आगे हम पहुंच गए हैं गौर चौक पे. सो हम आ गए हैं डी मार्ट के पास. यहाँ पे लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम मैं भूल गया, बार बार भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं. अभी तो मौसम बारिश का हो रहा था, मॉनसून चल रहा है यहाँ पे. मॉनसून धूप कभी छाव कभी बारिश, यही सब चलता रहता है. तो धूप गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त भी नहीं होती कहीं बार. तो साइड में नर्सरी है, बहुत ही बहुत ही मिलते हैं यहाँ पे, काफी सारी नर्सरीज हैं यहाँ पे. राइट में नॉर्ड एक्सटेंशन के फ्लैट्स और कमर्शियल्स. सो हम आ गए हैं गौर चौक के गोल चक्कर पे. अब यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को पता ही होगा, मोस्ट यहाँ से लेफ्ट ही लेते हैं क्योंकि गोल चक्कर बंद हो चुका है, ट्रैफिक बहुत लगता है यहाँ पे. यहाँ पे लेफ्ट में ढाबे हैं बहुत सारे. यहाँ पे एक बार आग भी लगी थी यहाँ पे रात के टाइम, रीजन नहीं पता, बट बहुत बुरी तरह से जल गए थे ढाबे यहाँ पे. शॉकर्स इसके अच्छे हैं,
ज्यादा ऑफ रोड पलिंग ट्राई किया, बट यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो तो निकाल जाता है। ये रोड बड़ी लगती है मुझे, इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम होता है और सड़क भी काफी ठीक है। ये रास्ता सीधा नोएडा सेंटर नोएडा की तरफ जा रहा है, बर्थला ब्रिज की तरफ, बट अभी हम बर्थला की तरफ नहीं जाते, अभी हम नोएडा एक्सटेंशन की तरफ ही रहेंगे। सो धूप बहुत तेज है, धूप तेज तो नहीं है बट एक्चुअली क्या है कि बारिश हुई थी थोड़ी सी, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो गई है तो चिपचिप और थोड़ा अजीब सा वेदर हो रखा है। तो अभी हम सर्विस रोड से ही या बाहर से लेते हैं बट लेफ्ट ही रखेंगे। राइट साइड से जाते तो हम परथला पे चढ़ जाते बट हम लेफ्ट में रखेंगे। से लेफ्ट वापस नोएडा एक्सटेंशन की ओर। यू टर्न फॉर गाजियाबाद और नोएडा ही चलना है अगर सेक्टर कौन सा था पता मीन्स फेज टू, नोएडा फेज टू जाना है आपको तो आप यहाँ से आगे सीधा जा सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन जाना है तो अभी मैं उस तरफ से मुड़ूंगा से जा सकते। हर जगह झंडे दिख रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और कुछ दिनों बाद ये सब हट जाएंगे, सब डस्टबिन में मिलेंगे। वेरी सैड, झंडे सिर्फ लोग आजकल सोशल मीडिया के लिए लेते हैं, अंदर से कोई पेट्रियोटिज्म है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, लोग झंडे लगा लेते हैं बट अंदर से सब वेस्टर्न है, सब वेस्टर्न ट्रेंड पे चलते हैं, सबको वेस्टर्न कल्चर ही पसंद है, इंडियन कल्चर किसी को पसंद नहीं है। आप झंडा तब लगाओ या दिखावा तब करो जब आपके अंदर थोड़ा बहुत हिंदुइज्म या आप अंदर से इंडियन हो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी हो। आप बाहर से दिखाते रहे झंडे लगा के गाड़ियों पे, घरों पे, अपने कपड़ों में, बट अंदर से आप रियलिटी में कुछ और हो तो वो चीज अच्छी नहीं है। दिखावा अपना करो, जितना दूसरे को नुकसान ना दे, बट यहाँ आजकल लोग दिखावा करने चक्कर में दूसरे को नुकसान कराते हैं, अपना फायदा देखते हैं। आजकल दूसरे के नुकसान से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना सुख चाहिए, सबको अपनी खुशी अपनी लग्जरी चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। विलेज बिस्रक सेक्टर 80, सेक्टर 80 राइट से जाके सेक्टर 80 की तरफ से ले आएंगे, लेफ्ट से हम बिस्रक और सेक्टर तो नहीं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे। सो हम अभी चलते हैं नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, राइट की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा जल्द ही, कभी ना कभी तो जाएंगे जब मौसम अच्छा हो जाएगा।
सब मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊंगा। नोएडा में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। लेफ्ट साइड में क्रिकेट स्टेडियम मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सारी नोएडा एक्सटेंशन की है। ओहो क्या बादल है यार, ऐसा लग रहा है कॉटन कैंडी। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, कबूतर के घर जिसमें हम रहते हैं। खुले आसमान में तो भूल ही गए। इस बाइक पे एक खासियत है, जब मैं चलाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा हूँ खुले आसमान में। बट थोड़ा टाइम बाद एहसास हो जाता है कि पॉल्यूशन जब मुझे जाता है ना कि वो आसमान नहीं है, जमीन पे ही है। फ्लैट्स में रह के ना हम के पास जमीन है ना आसमान है, बीच में लटके हुए हैं। झंडे और के ट्रेडर्स कैपिटल अथीना, राइट में लेफ्ट में राइज की कमर्शियल एंड विलास। अब इस गोल चक्कर से हम लेफ्ट ले लेंगे। घर के लिए राइट जाएंगे तो सूरजपुर सीधे से भी आ जाएगा घर, बट सीधे वाली जो रोड है वो थोड़ी सी कच्ची है, ऊपर खबर है बारिश खराब हुई। लेफ्ट में हनुमान मंदिर, ये देखिए झंडे, दिल से इंडियन बनो का इस दिल से झंडे झंडे। अब ये झंडे यहाँ ले आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद लोगों के घर के बाहर डस्टबिन में या पता नहीं कहाँ कहाँ मिलेंगे ये। आपको बस रिक्वेस्ट है, अगर आप ये झंडे लगा रहे हैं सो वापस फोल्ड करके आप इसे अपनी घर में कबर्ड में या सेफली रखिए, ताकि इन्हीं को आप रीयूज कर सकें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इन्हें वापस यूज किया, यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेजर वैली सम्मान कीजिए तिरंगे का, उसे लहराइए और आजादी की फील लीजिए। चलिए मैं वापस घर की ओर चलता हूँ, क्योंकि आज ज्यादा राइड करने का मन नहीं होगा। मन तो है लेकिन पता नहीं अजीब सा डाइसी हो रहा है, तो घर ही चलते हैं, फिर कभी अच्छे वेदर में निकलेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तब तक आप मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो क्या अच्छा नहीं लगा वो आप बताइएगा, ताकि मैं आगे कोशिश करूं
अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।